नमस्कार दोस्तों, मैं अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूं। ये वायरलेस K8 माइक है जो हमें 500 से 600 के बीच में ये खरीद पड़ी है। ये मेरे को जो मैंने खरीदा है ये क्या है, 500 रुपए की ये खरीद है, और आप खरीदेंगे तो 500 से 600 के बीच ये खरीद आपको पड़ेगी। तो इसको लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो पहले इसकी सामान देख लेते हैं, इसमें क्या क्या है। तो देखिए दोस्तों, ये तीन चार सामान है, ठीक है। ये क्या है, आपके मोबाइल के जो पोर्ट है, जो USB चार्जर है टाइप सी, इसको उसमें लगा देना है। और ये अगर आपके पास आईफोन है तो क्या करना है, ये आईफोन में लगाना है और इसके अंदर ये लगा देना है, और ये क्या हो जाएगा, कनेक्ट हो जाएगा। और ये चार्जिंग के लिए छोटी सी डाटा केबल है टाइप सी है, ठीक है, ये डाटा केबल है। और ये हो गया आपका माइक, ठीक है, ये आपका माइक हो गया। तो इसको हम तो साइड में रखते हैं, और मैं आपको मेन जो है माइक के बारे में मैं बताता हूँ कि इसमें क्या खूबियाँ है, ठीक है। तो देखिए, ये हो गया हमारा माइक, ये सबके बारे में बता दिया। तो ये दोनों का कोई अभी काम नहीं है, तो इसको भी साइड में रखते हैं। तो ये हो गया आपका साइड में, है ना। अब हमारा दोनों मेन ये है, ठीक है, ये है। इसको क्या करना है, फोन में लगाना है, और इसको अपने कॉलर में आप जहां भी लगाना चाहते हैं इसको लगाकर अपनी वीडियो बनाना शुरू कर दीजिए। तो अब देखिए इसमें क्या खूबी है, तो देखिए मैं आपको बताता हूँ। ये जब आप माइक लगाओगे ना, तो ये जो बाहर की जो आवाज हो, जो किचकाच, ये नॉइज जो आता है ना, सब मार हला गुला, तो ये क्या कर देता है, ये उनको काट देता है, उनको बंद कर देता है, और सिर्फ आप ही का आवाज जो है ना एकदम रिकॉर्डिंग करेगा, एकदम आपका आवाज ये बिल्कुल साफ सुथरा रिकॉर्डिंग करता है। तो देखिए दोस्तों, अगर आपको 500 या 600 में भी कहीं भी मिल जा रहा है ना, 600 रुपये की भी, तो आप इसको ले ले, ये बहुत ही अच्छा माइक है, और ये यूट्यूब के लिए बहुत ही अच्छा है। देखिए, अगर आपका वीडियो 1 घंटे की होती है, 1.5 घंटे की होती है, और लास्ट 2 घंटे की होती है, तो ये माइक आपके लिए बहुत ही अच्छा है, ठीक है। अगर आप 2 घंटे से ऊपर की वीडियो एक लगातार बनाना चाहते हैं, कटिंग बीच में कट नहीं करना चाहते, तो ये माइक आपके लिए नहीं है, क्योंकि ये इसका जो मेन पावर है वो क्या है, 2 घंटे की बैटरी बैकअप है ना, ये 2 ही घंटे से ज्यादा नहीं देता, बस 2 घंटे लास्ट समझ लीजिए, है ना। और अगर आप 1 घंटे के, 10 मिनट के, 15 मिनट के, 20 मिनट की या 1.5 घंटे की वीडियो बनाते हैं, तो ये माइक आपके लिए बहुत ही अच्छा है, ठीक है। तो इसको मैं ऑन करके दिखाता हूँ, ये बटन प्रेस करके रखेंगे तो ये ऑन हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर मैं ये बटन प्रेस करके रखा हूँ, तो ये क्या है, ऑन हो गया। ये लाइट क्या है, ऑफ डाउन कर रहा है, ये भूख भाग कर रहा है, तो इसका मतलब ये अभी कनेक्ट नहीं हुआ। जब ये कनेक्ट हो जाएगा तो ये हरा वाला जो लाइट है ना, ये डायरेक्ट जलेगा, है ना, ये ऑफ डाउन नहीं करेगा, तो इसका मतलब कनेक्ट हो गया है। देखिए, अगर आपके मोबाइल में ये कनेक्ट नहीं होता है तो आपको एक काम करना है, अगर आपके मोबाइल में जो कैमरा है, जो वीडियो रिकॉर्डिंग ऐप है, उससे ये कनेक्ट नहीं हो रहा है, तो आपका ये काम करना है, प्ले स्टोर में जाना है, और ये एक ओपन कैमरा ऐप है, ओपन कैमरा के नाम से, उसको डाउनलोड करना है, और उसमें माइक सेटिंग है, ऑडियो सेटिंग है, आप सेटिंग वो कर लेंगे, तो ये आप लगाओगे ये फोन में, और ये रुक जाएगा, तो समझ लो आपका काम हो गया और आपका रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगा। तो ऐप के बारे में भी थोड़ा सा मैं आपको जानकारी दूंगा अगले वीडियो में, आप देख लेना उसको भी, उसमें कैसे आपको माइक की सेटिंग करना है और कौन कौन सी सेटिंग करना है, ठीक है। तो ये माइक है, अब इसको आपको लेना है कि नहीं लेना है, देखिए दोस्तों मैं आपको फिर से बताता हूँ। अगर आपके 1.5 घंटे की वीडियो होता है, 2 घंटे की वीडियो होता है यूट्यूब के लिए, ब्लॉग के लिए, तो आप इसको लिए, इसको बहुत, ये बहुत ही अच्छा माइक है, आप इसको ले लीजिए, क्योंकि ये इससे सस्ता माइक कहीं भी नहीं मिलेगा जो इतना अच्छा आपकी जो आवाज है उसको रिकॉर्डिंग करके आपको दे। और ये बहुत ही अच्छा माइक है, मैं इसको कम से कम 3 महीने से यूज कर रहा हूँ, और 3 महीने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आया, ठीक है। और जब मेरे को पता होता ना कि ये माइक ऐसा काम करता है, तो मैं पहले इसी को लेता। एक मैंने बोएक माइक लिया था, जो आपने तार वाला देखा होगा, वो 700 रुपए के लिया था, और ये मेरे को 500 में पड़ा, तो उस समय भी अगर ये लेता तो 700 रुपए का पड़ता। अभी भी कहीं कहीं लोग 1000 रुपए, 1200 रुपए के ये बेच रहे हैं, पर आपको देखो 600 रुपए तक मिल जा रहा है, तो आप ले लीजिए, ठीक है, इससे सस्ता तो कहीं नहीं मिलेगा। और कहीं कहीं 550 का मिल जाता है, ज्यादा जिद करेंगे किसी दुकान वाले से तो 500 रुपए का दे देता है, ठीक है, पर इससे सस्ता आपको नहीं मिलता है। तो चलिए इसकी आवाज में आपको टेस्ट करके बताता हूँ, मोबाइल में इसको मैं कनेक्ट करता हूँ, ठीक है। सबसे पहले इसको मैं अपने मोबाइल में लगाता हूँ, देखिए ये मोबाइल में लग गया, अब जो रिकॉर्डिंग हो रहा है ना ये मेरे माइक से हो रहा है। देखिए ये लाइट रुक गया है, ये अप डाउन नहीं कर रहा, पहले अप डाउन कर रहा था, अब नहीं कर रहा, तो इसका मतलब क्या है, ये कनेक्ट हो गया। अब इसको आप कॉलर पे लगा लीजिए या कहीं पे लगा लीजिए और रिकॉर्डिंग आप करना शुरू कर दीजिए, है ना। अब ये देखिए उस वीडियो में आवाज जो मेरा था पहले का, और ये माइक लगाने के बाद अब कैसा आवाज है, आप खुद ही इसको जज कर सकते हैं, फर्क इसमें अंतर देख सकते हैं। तो मुझे आशा है ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आए होंगे दोस्तों। वीडियो पसंद आया तो मेरे वीडियो को लाइक करें,
चैनल को सब्सक्राइब भी करें। और इससे अगला जो वीडियो है, अगर मोबाइल में आपकी कनेक्ट ये माइक का नहीं हो रहा है तो उस वीडियो को जरूर देखें कि आपके मोबाइल में कैसे कनेक्ट माइक को करेंगे। एक ऐप जो ओपन कैमरा है उसको डाउनलोड करके मैं बताऊंगा उसमें कैसा आपको सेटिंग करना है, और जब आप सेटिंग कर लेंगे तो ये माइक क्या हो जाएगा, आपके ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, काम करना शुरू कर देगा। अगर आपके मोबाइल की कैमरा जो जो आपके पास फोन है उस कैमरे में ये आवाज़ मतलब कैच नहीं कर रहा है, रिकॉर्डिंग नहीं हो रहा है, इसे कनेक्ट नहीं हो रहा है, तो आपको ओपन कैमरा डाउनलोड करना है और उससे अपना वीडियो बनाना शुरू कर दीजिए। ठीक है, तो ये छोटी सी वीडियो थी।